नमस्कार। सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। तो इस वक्त की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार की ओर से बिहार राशन कार्ड सुधार को लेकर सबसे बड़ी जो है ये अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे में आप लोग की पता है कि बिहार में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप लोगों की अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है, राशन कार्ड से वंचित हो गए हैं, तो आप लोग पिछला वीडियो जो है आप लोग देकर आप लोग अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा सारा जानकारी एक ही वीडियो में दिया गया है। आप लोग उस वीडियो को देखकर आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा लाभार्थियों का कमेंट था कि राशन कार्ड में जो है मेंबर का नाम कैसे ऐड करें, मेंबर का नाम उसमें से डिलीट कैसे करें, कैसे हटवाएं, एड्रेस कैसे सुधार करें, नाम फोटो वगैरह जो भी आप लोग को राशन कार्ड के रिगार्डिंग, अगर आप लोग का राशन कार्ड पहले से ऑलरेडी बन चुका है, बना हुआ है, अगर आप लोग उसमें किसी भी मेम्बर का नाम ऐड करवाना चाहते तो आप लोग आसानी से अब ऐड करवा सकते हैं। इसके लिए भी यहाँ पर अब जारी कर दिया गया है, स्टार्ट हो गया है। आप लोग की कहाँ से और कैसे जो राशन कार्ड में नाम को जोड़ना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, सुधार करना है, कुछ भी करना है, आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग को ये काम कहां से और कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप लोग की मैं जानकारी दे दूं तो यहां पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार की ओर से सिर्फ ऑनलाइन राशन कार्ड आवेदन का लिंक जो है ये जारी किया गया है, जिसमें घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। अब बात निकल कर आ रही है राशन कार्ड में सुधार और नाम कैसे जोड़ेंगे, आप लोग उसमें किसी भी प्रकार से त्रुटि कैसे करवाएंगे, तो ये जो है बिहार के सभी ब्लॉक आरटीपीएस काउंटर पर जो है ये स्टार्ट कर दिया गया है। अब उसमें आप लोगों की क्या क्या फॉर्म जो है आप लोगों को फिलअप करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना होगा, तो यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। जो भी आप लोगों का नाम जो है उसमें ऐड किया जाएगा, हटाया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, वे आप लोग की आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से ही किया जाएगा। सभी आरटीपीएस काउंटर पर स्टार्ट कर दिया गया। पहले क्या था कि पंचायत चुनाव को लेकर सब ये सब काम जो है बंद कर दिया गया था, फिर से जो यहाँ पर स्टार्ट, अब सभी काम जो है यहाँ पर संपन्न हो गया है, अब ये काम जो है स्टार्ट कर दिया गया सभी आरटीपीएस काउंटर पर। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस प्रकार से जो नाम को ऐड करवाना है, हटाना है, सुधार करना। तो देखिए सबसे पहले जो अगर आप लोग नया राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन करते तो आपको प्रपत्र का फॉर्म जो है फिलअप करना पड़ता था ऑफलाइन में पहले, और अगर आप लोग राशन कार्ड में किसी भी प्रकार से सुधार करवाना चाहते हैं तो आपको प्रपत्र ख फॉर्म जो है आप लोग को फिलअप करना है। अब प्रपत्र ख फॉर्म के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा तो यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। देखिए राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने के लिए जो आवश्यक कागजात जो है आप लोग को देना होगा, आरटीपीएस काउंटर में संलग्न करना होगा, मेंशन करना होगा उसमें। सबसे पहले जो निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नाम जोड़ने वाले सभी व्यक्तियों का आधार कार्ड जो आप लोग को लगेगा, जिसका नाम अगर आप लोग ऐड करवाना चाहते हैं उसका आधार कार्ड होना जरूरी है, उसका फोटोकॉपी लगेगा, जिसके नाम से राशन कार्ड बना हुआ है उसका जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र तीनों जो है ले जाना होगा। साथ में तीन को फोटो जो है आप लोगों को फैमिली मेंबर का, पूरे फैमिली का जो है आप लोगों को फोटो देना होगा। साथ में आप लोगों को पासबुक का फोटोकॉपी जो है लगाकर दे देना है, इसमें नहीं बताया गया लेकिन लगेगा आप लोगों की। अब यहाँ पर देखिए पूर्व में निर्गत राशन कार्ड, अगर आप लोग का राशन कार्ड बना हुआ है तो आपका जो भी राशन कार्ड है उसका फोटोकॉपी लगाना होगा, यानी कि पहले का राशन कार्ड के। यहाँ पर बताइएगा पूर्व में निर्गत राशन कार्ड, नाम जोड़ने वाले सभी व्यक्तियों का समूह में जो है आप लोग को फोटो देना होगा, तीन फोटो जो है आप लोग को लेकर जाना है, समूह फोटो यानी कि पूरे फैमिली मेम्बर का फोटो। यहाँ पर आवेदक को स्वयं उपस्थिति होकर अपना आवेदन जमा करना होगा। समय जो यहाँ पर 10:30 से आप लोग 1:30 तक जो आप लोग काम करवा सकते, नाम को ऐड करवा सकते अपना ब्लॉक आरटीपीएस काउंटर, उसके माध्यम से आप लोग यहाँ पर नाम ऐड करवा सकते, हटा सकते, जो भी करना हो यहाँ पर त्रुटि को सुधार कर सकते। यहाँ पर इस साफ साफ जो बताया गया, और जिसके नाम से राशन कार्ड है उसको जाना यहाँ पर अनिवार्य आवश्यक है। हो सकता है अगर वे लाभार्थी नहीं जाएंगे तो यहाँ पर असंभव है, यहाँ पर बताया गया उसको आना जरूरी है। तो यही जो है यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जो है आप लोग को आरटीपीएस काउंटर पर लेकर जाना होगा, और साथ में प्रपत्र ख फॉर्म जो आप लोग को फिलअप करना है, और प्रपत्र ख फॉर्म जो आप लोग को कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है और उस फॉर्म को कैसे भरना है, और उस फॉर्म को भरने के बाद जो ये सारा डॉक्यूमेंट को जो है आप लोग को उसमें मेंशन करना होगा, उसमें लगाना होगा। तो अब चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये जो है आप लोग को इस ये आर्टिकल जो स्टिकर जो आप लोग को अपना ब्लॉक आरटीपीएस काउंटर में बाहर जो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अब बाहर जो ये चिपकाया होगा आप लोग वहां पर देख सकते हैं, आप अपने ब्लॉक आरटीपीएस का अपना ब्लॉक में जाकर पता कर सकते हैं कि ये कार्य को किया जा रहा है या नहीं। बहुत सारे जगहों पर जो स्टार्ट कर दिया गया है, आपका भी यहां पर ब्लॉक आरटीपीएस काउंटर पर जो इस काम को स्टार्ट कर दिया गया होगा, आप लोग देख सकते हैं। ये जो आर्टिकल है ये जो एक दूसरे जो यहां पर ब्लॉक आरटीपीएस काउंटर का है। तो चलिए मैं फटाफट से जो बता देता हूं कहां से और कैसे डाउनलोड। तो सबसे पहले अपने फोन में कोई सा ब्राउजर को ओपन करना है और सरकारी सेंटर लिखकर सर्च कर देना। जैसे लिखकर सर्च करेंगे सरकारी सेंटर आएगा, सरकारी सेंटर पर क्लिक कर देना। जैसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल
स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई। आपको जो है क्या करना है, नीचे जो आप लोग को आना है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई 2022, इस पर जो आप लोग को क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आपको यहाँ पर भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आप जैसे नीचे आएंगे तो आपको जो यहाँ पर लिंक को एक्टिव किया गया है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं परपत्र, यहाँ पर क फॉर्म है और ख फॉर्म। जैसे यहाँ पर क्लिक है, पर क्लिक करेंगे तो ये जो है डाउनलोड होकर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप लोग जैसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर परपत्र क फॉर्म जो यहाँ पर आएगा, तो आपको इसको नहीं प्रिंट करवाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है नीचे जो आप लोग को ख जो है देखने को मिल जाएगा, परपत्र ख फॉर्म जो है इसको जो आप लोग को प्रिंट करवाना है इस पेज को, और यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर सेकेंड पेज को इसको भी प्रिंट करवाना है, और थर्ड पेज को इसको भी प्रिंट करवाना है। ये तीनों पेज को प्रिंट करवाकर और इस फॉर्म को फिलअप करके इसमें जो भी मैं डॉक्यूमेंट बताया हूँ, वो जो है इसमें लगाकर आप लोगों को अपने ब्लॉक आरटीपी एस काउंटर में जो भी लाभार्थी होंगे उसको आप लोगों को जमा कराना होगा। तुरंत जो है काम को कर दिया जाएगा, आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को फोटो चिपकाना होगा पूरे फैमिली मेम्बर का। तो आप लोग को इस फॉर्म को किस प्रकार से भरना है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं चैनल पर जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।